खबर शामगढ़ से। कोविड स्पेशल के नाम पर कई यात्री गाड़ियों का शामगढ़ से स्टॉपेज खत्म करने के विरोध में आज नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि कोविड स्पेशल के नाम से बिलासपुर, भगत सिंह की कोठी, बांद्रा, रामनगर, जयपुर, मेसर सहित कई यात्री गाड़ियों का स्टॉपेज शामगढ़ रेलवे स्टेशन से खत्म कर दिया गया है। इन ट्रेनों का पुनः स्टॉपेज प्रारंभ किया जाए जिससे यात्रियों को होने वाली समस्या दूर हो सके। इन्हीं बात को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज मुजावदिया, ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष पवन पांडे, महेंद्र पोरवाल, सोनू जायसवाल, नीलेश संघवी, रईस अब्बासी, प्रमोद फरकिया, गोपाल पटेल, जगदीश मेहता, जगदीश मुजावदिया, मनीष मुजावदिया, संतोष परिहार, सुमित्रा देसाई, मनोज देसाई, मोंटी खन्ना, ऋतिक पटेल सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। शामगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिया गया है गाड़ियों को बंद करने का, हमने उसकी मांग को लेकर के रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे माननीय सांसद जो बड़े बड़े बातें करते हैं और बहुत बड़ा अपना बताते हैं कि हमने ये करा वो करा, उनका हम जल्दी अगर मांगे नहीं मानी जाती उनका पुतला मुकर जाएगा। विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जो वर्तमान में जो ट्रेनें इन पटरियों पे दौड़ रही है, जिनका स्टॉपेज पूर्व से भी यहाँ पे शामगढ़ के स्टेशन पे था, पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसके क्षेत्र की समस्या और जनता की, किसान और व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने का स्टेशन है और जिला मुख्यालय को एक्सप्रेस ट्रेन और क्षेत्र के विकास को जोड़ने वाला स्टेशन है। इस पर जो ट्रेनें निकल रही उनका स्टॉपेज जो ठहराव जो बंद किया गया वो स्टॉपेज वापस जल्द चालू किया जाए, नहीं तो कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से एक एक करके आंदोलन करेगी, उसकी सारी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की। अगर शीघ्र ही ट्रेनों को चालू नहीं किया गया तो आगे आपकी क्या रणनीति? बिल्कुल, हम चरणबद्ध तरीका से आज हमने मोहलत दी है, अगर थोड़े दिनों में अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो हम अगले आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। पूरा कांग्रेस परिवार और इस क्षेत्र की जनता पूरी साथ है। हमेशा हम ये सोच कांग्रेस की रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रही कि क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मुहैया हो, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय अनेकों ट्रेनों के ठहराव और स्टॉपेज यहाँ पे दिए गए हैं। उन सारे ट्रेनों के स्टॉपेज जो आज ट्रेनें बंद की गई है दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से जनता का, किसानों का, व्यापारियों का शोषण कर रही है, ये इस माध्यम से कोरोना की केवल बहाना बनाकर, डराकर और यात्रियों को जिस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी जवाबदारी बनती है ऐसे समय में कि जब क्षेत्र की जनता को समस्या आ रही है, ऐसे समय में ट्रेनों के स्टॉपेज की जरूरत होती है, ऐसे समय में स्टॉपेज बंद किए जाने दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को किस विषय को लेकर दिया गया और कौन कौन सी ट्रेन के ठहराव के लिए बोला गया है? सर, नगर कांग्रेस कमेटी शामगढ़ द्वारा मेरे को ज्ञापन दिया है भगत की कोठी, जयपुर मैसूर और मैसूर जयपुर, इन ट्रेनों के रुकाव के लिए, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ने मना कर दी थी कोरोना काल के बाद में जो गाड़ी चलाई इस ट्रेन वापस रुकवाने के लिए। क्या नाम सर आपका? सर, मैं मुनेश कुमार, मेरा डिप्टी एसएस शामगढ़।